नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमेश सिंह। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार ने सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने जमकर जो अधिकारी हैं उन्हें फटकार लगाई। आप सीधे देखिए कि जो डीएम है प्रणव कुमार, वो सदर अस्पताल का कैसे निरीक्षण कर रहे हैं और जो कमियां मिल रही है उस पर अधिकारियों से सवाल भी पूछ रहे हैं। आप देखिए वीडियो। सर ये रूम हमारे चार्ज में नहीं है सर, अभी आप बोल दीजिएगा आपके चार्ज में ना भी हो। वह निरीक्षण करने के बाद मुजफ्फरपुर के डीएम ने पत्रकारों से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो कमियां मिली हैं उसे तुरंत ठीक किया जाएगा। और देखिए इस मामले को लेकर जो डीएम है वो क्या कुछ कह रहे हैं। जन जागरूकता को लेकर के रथ रवाना किया गया है। आज हम लोगों ने एनआरसी सेंटर का भी यहाँ पर निरीक्षण किया और एनआरसी मुख्य रूप से है कि जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनके पोषण के स्तर को बेहतर करना और आज इसी प्रांगण से पोषण के अभियान को गति देने के लिए सभी प्रखंडों में प्रचार रथ रवाना किया गया है ICDS के माध्यम से। और ICDS एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से समन्वय से हर एक बच्चे पर हम लोग नज़र रखते हैं कि वो पोषण युक्त हों और इसके लिए जब प्राइमरी स्टेज से ही, जब से कोई माता गर्भवती होती है उस समय से ही केयर लेना शुरू हो जाता है और बच्चे जब तक 5 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग लगातार उनके ग्रोथ पर नज़र रखते हैं और तदनुसार प्रयास करते हैं कि उनका ग्रोथ बिल्कुल सही है। अभी एक्सरे और जो पैथोलॉजी सेंटर है उधर निरीक्षण किया गया, चूँकि वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो वहाँ पर कुछ गंदगी पाई गई और कुछ सुधार की भी आवश्यकता है, खासकर स्ट्रक्चरल सुधार की आवश्यकता है। उस सुधार के लिए निर्देशित किया गया है और कार्य संस्कृति को भी और बेहतर करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इसका फिर हम लोग रिव्यू एक सप्ताह में करेंगे, तब तक कार्य संस्कृति में सुधार होगा। जो स्ट्रक्चरल चेंजेज हैं उसको करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके लिए हम लोग समय निर्धारित करके अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। तो आपने देखा कि मुजफ्फरपुर के डीएम ने कहा कि कुछ कमियां देखने को मिली है जिसको लेकर उन्होंने निर्देश दे दिया है कि इसे जल्द से जल्द ठीक करना है। इसके अलावा जब गंदगी को लेकर मुजफ्फरपुर के डीएम काफ़ी भड़क गए थे, उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि बताइए आपके खिलाफ हम FIR क्यों दर्ज नहीं कराए। इसके अलावा कुछ मशीनरी जो सामान है जो उसमें भी कमी देखने को मिली। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को की स्थिति भी काफ़ी जर्जर हाल में थी, कमरों की जो सफाई है वो भी ठीक से नहीं था। इसको देखकर कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर के जो डीएम थे वो भड़क उठे थे। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।